हार्डली के ही चार बच्चे, दो बच्चे सुमन जी उस ड्राइवर से बच्चों ने चाबी निकाल ली, इतने दारू पी रखी नीचे गलों में। कल भी उसने गाड़ी को बिठाया। और ये मैडम एक्सीडेंट नहीं है, ये सरासर मर्डर है। जान पूछ के यस इसलिए ये एक्सीडेंट हो गया तो हमारे को तो सही हो जाएगा भाई, ये एक्सीडेंट हो जाता तो तरह तरह शराब पी के जान पूछ के इसको खिला दिया। दो बार चाबी लेने के बावजूद स्कूल को पता है जो स्कूल को बंद करवाओ। 6 महीने पहले मैं कह के आया था उसको के प्रिंसिपल को, बच्चों ने बताया कि ये ड्राइवर बदमाश है, तो मैं बोल रहा था भाई ये ड्राइवर को हटा दे के नाम से बदमाशी करता है। लेकिन नहीं हमें गांव में प्रिंसिपल को लोगों ने फोन किया चाबी निकाल के कि ऐसे ऐसे ये बात हो गई और जो ड्रिंक कर रखे तो उसने गाजी की आवाज ही ऐसी है जानते दो बार को धड़ोसा नहीं खेड़ी इसकी आवाज ऐसी है। जिम्मेवारी नहीं थी क्या उनकी, भाई बस को खड़ी कर दो दूसरा ड्राइवर भेजूंगा मैं। टेंस में लिए जी तो सर मैडम क्लियर ही मारने के लिए तुला गया नहीं तो कहना था बिल्कुल दारू पी रखी है तो साइड में कोई रिस्पॉन्स कोई नहीं। बच्चे से कहते मां कह रहा है वो साफ ही गया, और उससे पहले भी तरफ बच गई तरफ से बिल्कुल इतनी बच गई बिठा देता आज भी दी। 3 दिन हो गए इसको, 3 दिन और वैसे तो ईद की छुट्टी थी जी, ईद की छुट्टी नहीं निकल ना छुट्टी सर। लेकिन ये प्राइवेट लग रहे हैं सर, इट्स नॉट एन एक्सीडेंट, इट्स अ मर्डर इंटेंशनल है। शासन के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, किसी को नहीं बख्शेंगे, हर जो भी इसके लिए जिम्मेदार है। अपना काम करके जा के शिफ्ट ऑफ सीट पे बैठ जा, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। बस स्कूल वाले बोलते हैं, स्कूल वाले बोलते हैं तुमको उल्टा बोल को लेना, स्कूल वाले भी हमारे ऊपर उनके वाई की ये तो साथ में टीचर भी गई थी आज, टीचर नहीं था स्कूल नहीं गया मैं भाई था, तो टीचर उसमें से कोई कॉलेज की लड़की तो स्कूल वालों को पूरा मालूम था कि ये टीचर, स्कूल वालों को शायद नहीं मालूम था। स्कूल वाले की बात बताऊँ ना, स्कूल वालों को पता नहीं स्कूल में केडी सर का था, मैं पढ़ाता था भी क्या था। सर इसकी चाबी भी ली गई थी, ड्राइवर था इसकी चाबी ली गई थी, तो इसने कि किसी सरपंच ने किसी ने दबाव डाला कि वापस दिलवा दी। तो वो पहले उसकी शिकायत थी कि दारू पी के वो चलाता था, प्रिंसिपल को फोन किया, तो इसके ऊपर बहुत बड़ी लापरवाही है, ये इनको मतलब सख्त से सख्त वो होना चाहिए। सर ये कह रहे हैं कि परसों भी मां कह रहे हैं वो साफ ही गया था, और उससे पहले दिन तरफ बिठा बच गई तरफ से बिल्कुल इतनी बच गई बिठा देता था। आज भी बिठाई दी, 3 दिन हो गए इसको, 3 दिन बिठाती, 3 दिन से बता आज बिठाई पहले सी डी में बिठाई है। और आप वैसे तो ईद की छुट्टी थी जी, ईद की छुट्टी नहीं निकल ना छुट्टी सर, लेकिन ये प्राइवेट वाले लग रहे हैं सर, इट्स नॉट एन एक्सीडेंट, इट्स अ मर्डर, इट्स अ मर्डर एंड आई हैव रिक्वेस्ट टू टेक पेज और टू मर्डर आई सी हैव बीन अरेस्टेड। को घर जाने की बड़ी जल्दी रहती है, तो आप इस बात पे भी संज्ञान लें। और ये अब इन बच्चों का और इन बच्चों के माँ बापों को न्याय जब मिलेगा वो न्याय आपके हाथ में। जी जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये न्याय और अन्याय ये आपके हाथ में, आप इसको भरना ताकि बच्चों को भी न्याय मिले इस परिवार को। एक के दो बच्चे हैं, दोनों डेड हो गए, अब एक ही बच्चा है अपने, वो शिक्षा मंत्री जी पूर्व रामविलास जी के सगे भांजे का बेटा है, एक ही बच्चा था उसका, वो ही डेड हो गया। ठीक है, अब घर के घर बंद हो गए लोगों के, तो आप इसको पूरा संज्ञान। सर कोई अरेस्टिंग हुई है कि इसमें प्री प्लान है सर, टेढ़ी गांव में उनको ना तो चाबी ले ली थी मकान ड्राइवर का, ना चाहे वही होती है प्रिंसिपल ने फोन करवा के फिर टेढ़ी गांव के चाबी इंटेंशनल है, शासन के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, किसी को नहीं बख्शेंगे, हर जो भी इसके लिए जिम्मेदार। स्कूल में बस और ये बस भी कंडीशन ही ऐसी ऐसी बसें जो ऐसे इनकी भी चलती हैं बुरा, और एक ये स्पीड लिमिट पे थोड़ा वो ठीक है सर। प्लीज 302 का पर्चा करिए, नहीं तो लोग बात कहेंगे कि हम राजनीति करते हैं, हम धरने पर बैठे हैं, हम रोड जाम करेंगे। इन्होंने सरासर अपने जबरदस्ती मारे गए हैं इन्होंने।
ये संदीप है, इसके दोनों बेटे थे, ये संजय सरपंच है गांव में, इसका बेटा था गया, झाड़ली के ही चार बच्चे, दो बच्चे धर्मनाथ के। सुमन जी उस ड्राइवर से बच्चों ने चाबी निकाल ली, कितने दारू पी रखी नीचे करो, कल भी उसने गाड़ी को बिठाया। और ये मैडम एक्सीडेंट नहीं है, ये सरासर मर्डर है, जान पूछ के किया है इसने, पर इसलिए ये एक्सीडेंट हो रहा है तो हमारे को तो सही हो जाएगा भाई, ये एक्सीडेंट हो जाता है, शराब पी के जान पूछ के इसको खिला दिया। दो बार चाबी लेने के बावजूद स्कूल को बंद करवाओ, छह महीने पहले मैं कह के आया था उसको, प्रिंसिपल को, बच्चों ने बताया कि ये ड्राइवर बदमाश है, तो मैं बोल रहा था भाई ये ड्राइवर को हटा दे के नाम से बदमाशी करता है। बाहर नहीं खेली दारू पी रखी है, एक बच्चे को थोड़ी सी चोट है, उसका कोई गलत है, उन्होंने कहा भी इसका ऑपरेशन हो सकता है, तो दिल्ली में आदेश कर दिए इनको भेज, और बाकी बच्चे सब चोट सब के सब बच्चों में चोट है, खराब है कि नेताजी जबरदस्ती ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसकी चोट है, सब बच्चों कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसको घुटना लगा हो। एक ये जो गुड़गांव के लिए कह रहे हैं ना, 3.5-4 साल की बेटी है निधि माँ, उसका शायद कल में भी चोट आई है, तो पहचान में नहीं आ रहे बच्चे, मुश्किल है पहचान, सब बच्चे बच्चों को सबके चोट है, किसी को कहीं किसी को, सब खून में लथपथ है सब बच्चे, एक ही बच्चा ऐसा नहीं चोट है, किरली मर्डर है। राजू हां जी, दो था इसका, दोनों का इसका पोता था मेरा, खत्म हो गया, मैं तो कह रही हूं खत्म हो गया, 18 साल का वहां से ले आया हॉस्पिटल में, नेटवर्क सही है यहां, लग मेरे था एकदम सच फूटा जाता है आईडी की तरफ, तो ये हम लोग तो बच्चों से बाहर कर। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16, जहां जाए सच के साथ।